एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई कम्प्लीटली हम क्या देखने वाले हैं, हमारे क्लास टेंथ साइंस की जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 18 तक की कंप्लीट क्वेश्चंस। तो कहा से ये हमारे द्वारा आपके लिए एक गिफ्ट है, वो क्या भाई, क्वेश्चन बैंक बोल सकते हैं, जिससे आपको जो है प्रिपेयर करना है इस बार बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वो इसकी बात है पीडीएफ का, क्योंकि पीडीएफ के लिए मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ आपको, कुछ देर बाद इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बट आपको वीडियोस देखनी है और साथ ही साथ पीडीएफ के लिए एटलीस्ट ही सही अपने कम से कम दो दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी इनके बारे में जानकारी हो पाए और वो सही से इससे जुड़ करके इससे रिलेटेड वो पढ़ाई कर पाए, ठीक है। तो आपकी अगर पढ़ाई हो रखी है तो आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहा जाए, एज अ टेस्ट आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हो। और जैसे ही मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊँ, अगर आप आंसर्स आपके दिमाग में आ जाए तो समझो आपकी तैयारी हो गई है। और आप लोग की अगर तैयारी हो गई आपको लगता है, तो आप पेन कॉपी लेके बैठो और उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करो कि जिसका जिसका आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कुछ बाकी होगा, है ना। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते वीडियो को चैप्टर नंबर 1 में। तो जीवों का विकास, यहाँ से आपको 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, चलो देखते चलते। सबसे पहले अगर 3 मार्क्स की बात करें, इस तरीके से कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में अंतर करेंगे, समजात अंग सब क्या समझते ये बताएंगे, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग, समजात अंग, ये पूरी चीज़ों को करते चलेंगे, ठीक है। फिर उसी तरीके से ये बेसिक चीज़ें ही इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद अनुकूलन और जीवाश्म क्या है, ये दोनों को आपको बताना रहेगा। फिर एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जो लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 कारण लिखना है। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। फिर उसी तरह 4 मार्क्स के लिए भी 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं बता दूँ आपको, ये समझात अंग, समवृत्ति अंग और शिष्य अंग, ये तीनों में से कोई सभी पूछा जा सकता है, तीनों को पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर जीवों के विकास सिद्धांत की 4 बिंदु, ये तो मस्ट है, इसको तो करेंगे ही करेंगे, इस चैप्टर का मेन बैकबोन है यही क्वेश्चंस। फिर चैप्टर नंबर 3 जीवों में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका होती है, ये क्वेश्चंस करना है, क्लियर है। इतना कर लेते हो तो फिर आपका हो जाता है, फिर ये बाद में ये 2 क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक। फिर चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण, यहाँ से 1, 1 एंड 2 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेसिक चीज़ें जो भी है उसको करते चलते, क्योंकि साइंस में आपको बड़ा क्वेश्चंस नहीं करना पड़ता, जो भी है बेसिक चीज़ें 2-2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताते चलते। जैसे कि पीएच मान क्या है, पीएच का पूरा नाम क्या होता है, ये क्वेश्चंस करना है आपको। अम्ल तथा क्षार के प्राकृतिक स्रोत है ना, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम। फिर ग्रहण सूचक क्या होते हैं, इससे आप अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, लेकिन दही बन जाने पर उसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, उन चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर अचार के को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता, ये क्वेश्चन आपको करना रहेगा। सिमिलरली सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वो किन किन सूचकों द्वारा अम्ल क्षार की पहचान कर सकता है, तो ये क्वेश्चंस कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चंस इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा, इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको इससे बाहर के क्वेश्चंस पूछे, कोई एक जगह सभी सोर्सेज के क्वेश्चंस आपको ला के रख दिया गया, ताकि आप अच्छे से बेस्ट वे पे प्रिपरेशन कर सको, ठीक है। तो इन क्वेश्चन से आपको सभी क्वेश्चन से प्रैक्टिस जरूर करते जाना। फिर उसी तरीके से पीएच मान है, तो इस पीएच वैल्यू से आपको पहचानना है कि कौन प्रबल होगा, कौन दुर्बल होगा, कौन क्षारी होगा, इस करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर अम्ल क्षार की पहचान करने वाले, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको ला दिया गया, और डेफिनेटली यहीं से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर पूरी तरीके से करना है। फिर यहाँ पर देखो अम्ली मूलक और क्षारी मूलक, तो ये अलग से क्वेश्चन है जिसको आपको प्रिपेयर करना ही है, अम्ली मूलक और क्षारी मूलक वाले में, ठीक है। फिर अगर हम अपन चैप्टर नंबर 3 की बात करें, चैप्टर नंबर 3 में क्या है, उष्मा और तापमान, ठीक है। तो यहाँ से 2 एंड 3 मार्क्स के लिए करना है, तो देखो करा देता हूँ जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ गया, आप देख पा रहे हैं उष्मा क्या है, उष्मा की धारिता एसआई मात्रक करना है, विशिष्ट उष्मा क्या है ना, गुप्त उष्मा क्या है, बर्फ एवं भाप की गुप्त उष्मा लिखना है, गैस से भरा गुब्बारा आपके पास ले जाने से फूट क्यों जाता है। इस तरीके से ही बेसिक क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है, तो 10 क्वेश्चंस है, 10 को कर लो, आपकी तैयारी इस चैप्टर से हो जाएगी। फिर चैप्टर नंबर 3 की अगर अपन बात करें, निम्न तापमानों को अन्य पैमानों में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अन्य पैमानों में परिवर्तित करने वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं एक बात बता दूं आपको, ये क्वेश्चंस जो है आपको दूसरों सोर्स दूसरे लोगों से ये एज अ कोई ना कोई कॉस्ट लगता है ना, तो कॉस्ट लगना स्वाभाविक सी बात है, ऐसा नहीं कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहे या कर रहे, क्योंकि इतना टाइप करने, इन चीज़ों को
ढूंढने में लगता है उतनी मेहनत, तो जाहिर सी बात है लोग लेंगे ही लेंगे, वो आपको लूट रहे हैं ऐसा करेंगे ऐसा नहीं, बट हम आपको फ्री में दे रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियोज़ को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई कि निम्नलिखित का परिभाषा हुआ मात्रक लिखना है, ठीक है। तो देखो यही प्रश्न जो है आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें 4 नंबर के 2 से 3 को पूछ देते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप करते चलें, ठीक है। संवहन विकिरण चालन ये सब चीज़ें क्या क्या है, तो ये चीज़ें कर लेते हो तो कम्प्लीटली आपकी तैयारी हो जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा इन क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हैं, इसमें से एक्स्ट्रा में मैं ये 3rd क्वेश्चंस को तो बोलूँगा ही बोलूँगा कि आप इसको भी करके रखो करके, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 4 तत्वों का आवर्तीकरण करके इसमें से सबसे आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देख लो भाई यहाँ से भी क्वेश्चंस की किस तरीके से आपको पूछे जाएंगे कि मेंडलिफ की आवर्त सारी कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए उनमें एक रखे गए तत्वों के नाम लिखना है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, बट आपको इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हुए चलना है, यही क्वेश्चंस आपको पूछने की संभावना है, ठीक है। फिर 3 में देखो क्या बोल रहा है, ये वाली क्वेश्चंस तो करेंगे आधुनिक आवर्त, आई थिंक इसकी ब्लू प्रिंट में 4 होनी चाहिए भाई, 4 मार्क्स के लिए एक बार मैच आउट कर लेंगे, ठीक है। ऐसा मे भी मुझे लग रहा है कि 4 मार्क्स होना चाहिए करके, तो आप चेकआउट एक बार कर लेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में उत्तर से नीचे जाने ऊपर से नीचे जाने पर और बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में क्या परिवर्तन होता है, वो वाले क्वेश्चंस करना, जैसे कि संयोजकता कब बढ़ती है कब घटती है, परमाणु आकार कब बढ़ती है कब घटती है, वो चीज़ों को करना है। फिर आयनन विभव विद्युत दृढ़ता ये चीज़ों को करना है, ठीक है। फिर 3 तत्वों की परमाणु क्रमांक किस तरीके से, 3 तत्व 1 का 5 है 7 है 10 है तब बताना है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे, कोई तत्व है उसका नाम नहीं बता रहे हैं आपको, सस्पेंस में बोल रहे हैं कहा जाए तो 2 8 1 है करके, तब उस तत्व का नाम बताना है, उसके संयोजकता लिखना है, वो किस समूह में होगा किस आवर्त में होगा, इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करते चलना। फिर ये सब क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से हैं भाई करते चलेंगे इनको, ठीक। फिर यहाँ से आपका 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो ये आप अच्छे से कर लेंगे। देखो 2 मार्क्स के लिए बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि पारितंत्र के संरचनात्मक घटक का केवल नाम बताना है, जैव भार हो गया पारितंत्र किसे कहते हैं उसके प्रकार बताना है, ठीक है। फिर पारिस्थितिक शंकु या पारिस्थितिक पिरामिड क्या होती है, ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करते चलना है। फिर उसी तरीके से जैव घटक अजैव घटक अपघटक है ना अपमार्जक, ये पूरे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करते चलेंगे, ठीक। तो इतना में करोगे तो आपका 2 मार्क्स यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा, ठीक। फिर चैप्टर नंबर 6 विद्युत धारा एवं परिपथ, यहाँ 3 और 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए आपको बहुत कम ही क्वेश्चंस करना है। तो इसमें देखो 3 मार्क्स के लिए मेनली आपको करना रहेगा, जैसे कि विद्युत शक्ति को समझाना है, मतलब परिभाषित करना है कि विद्युत शक्ति क्या होती है, फिर उसके SI मात्रक वाट व किलोवाट ये सब क्वेश्चंस आपको करना रहेगा। सिमिलरली फ्यूज क्या है, किस पदार्थ का बना होता है, फिर किसी चालक का, ठीक है, चालक है ना, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों से प्रभावित होता है, वो सब प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करते चलना है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस है इसी से रिलेटेड, फिर संकेत चिन्ह वाला यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, जैसे कि संकेत चिन्ह वाला क्वेश्चंस तो आपको करना ही है, ठीक है। वोल्टमीटर संधि तार प्रतिरोध, अब ये 3 दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतना ही करना है, आप एक्स्ट्रा जैसे कि विद्युत बल्ब हो गया अमीटर वोल्टमीटर सभी का जितने संकेत चिन्ह करते चलेंगे, ठीक है। फिर प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में आपको क्या है 3 अंतर लिखना है, इस तरीके से। फिर 5 मार्क्स के लिए आपको 1 से 2 क्वेश्चंस करना है, ऑलरेडी इसमें से प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं इसलिए बचता है बहुत कम ही क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस कर लो, और समांतर क्रम श्रेणी क्रम वाला संयोजन वाला जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप करेंगे इसमें से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई हमारा कौन सा चैप्टर नंबर 7 जैविक प्रक्रिया पोषण परिवहन श्वसन तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र, श्वसन उत्सर्जन ये वाले में, तो इसमें से 1, 2, 4 और 6 मार्क्स पूछे जाएंगे, तो ठीक है। तो चलो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पहले आपको दिखा दिया जाए कि इन क्वेश्चंस को आप करने, जैसे कि पाचन से क्या अभिप्राय है ना, सेल्यूलोज का पाचन किस अंग के द्वारा होता है, परपोषी पोषण क्या होते हैं, कोशिका का पावर हाउस किससे कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। फिर 4 मार्क्स के लिए मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है ना, ये कर लोगे। फिर आपको जैसे कि O2 गैस वगैरह क्वेश्चंस है, तो गैस में तो 3 गैस करने की क्वेश्चंस यहाँ से नहीं है, ये दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस ये भी यहाँ लाया गया है इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को एक बार और आएगा, तो फिलहाल इस चैप्टर से आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस जैसे डायग्राम में अंतर में इन डायग्राम क्वेश्चंस को आपको करना रहेगा, ठीक है। फिर 6 अंक के लिए तो सिमिलरली इस तरीके से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक। फिर जैविक प्रक्रिया नियंत्रण एवं समन्वय में से भी वही ब्लू प्रिंट है, क्योंकि ये चैप्टर 7, 8 और 14 मिलकर के क्या बने, 1 यूनिट बने, जहाँ टोटल आपको 13 मार्क्स क्वेश्चंस
पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से दो नंबर वाली सभी क्वेश्चंस को करेंगे ही करेंगे, उसके बाद ये चार नंबर वाले नीचे वाले क्वेश्चंस सबको कर लेना है आपको, ठीक है। फिर सिक्स मार्क्स वाला अथवा में एग्जैक्ट आप फिर यही क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा, तो आप कन्फर्म उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट जरूर कर लेंगे, ठीक। फिर चैप्टर नंबर 9 में 2 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के, तो यहाँ पर इकट्ठा ये 2 मार्क्स नहीं, ये 1 एंड 1 है, मतलब 1 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 6 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस यहाँ से आपको नहीं पूछे जाएंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है तो ये 2 मार्क्स नहीं है क्या, 1 मार्क्स। इसलिए देखो ये वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी हो जाती है, कहीं पर कुछ मिस्टेक है या कुछ नया चीज़ें आती है तो वो चीज़ें आपको बता दिया जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको 6 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, तो पहले एक ही बार में सीधा बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ दिए जाते थे इस तरीके से, बट आप उसको तोड़ तोड़ के दिया जाता है इस तरीके से, अलग अलग उसमें नंबर मार दिया जाता है कि 2 मार्क्स इसका 2 मार्क्स इसका करके, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। विधि में भी आपको देख लेना भाई, विधि को कम से कम हल्का हल्का, फिर आपको एक परिभाषा वाला पूछे जा सकते हैं कि एस का क्या होता है, खनिज क्या होते हैं, धातुमल क्या होते हैं, गलक क्या होते हैं, इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लेंगे। उसी तरीके से धातुओं के एस के प्रकार, नाम, सूत्र, ये सब क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करते चलेंगे, 6 मार्क्स यहाँ से पूछे ही जाएंगे। फिर प्रकाश का अपवर्तन समतल सतह से, तो यहाँ से भी आप 1 1 एंड 3 5 मार्क्स के कर लेंगे, तो जितना भी क्वेश्चन है सबको आपको कर लेना है बहुत ध्यान से अच्छे से, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा कि 5 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए बड़ा से क्वेश्चंस नहीं दिए जाते, इस तरीके से आपको तोड़ तोड़ के दिया जाता है। अगर कारण बताओ बोलेंगे तो 2 इसमें से बोल देंगे, है ना, ताकि उसका 2.5 मार्क्स आपको दे सकें। तो इस चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, और जो भी क्वेश्चन है PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप डाउनलोड करेंगे और वहाँ से फिर प्रिपरेशन में लग जाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ आने की पूरी संभावना है, बट साइंस में बाकी सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसमें थोड़ी सी कुछ क्वेश्चंस क्या है अंदर से पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप 1 बाय 1 देखते चलेंगे। अब जिनके में PDF डाउनलोड नहीं होती या जिनकी छोटी मोबाइल होती है, उन लोगों के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ से आप वीडियोस रोक करके इन चीज़ों को नोट करके आप खुद का क्वेश्चन बैंक बना सकते हो। लगभग 1 घंटा आपको देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, या नहीं तो आप PDF डाउनलोड करके आपका टाइम बच जाएगा, आप वहाँ से 1 बाय 1 प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक। तो ये पूरे चैप्टर्स का आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक, यहाँ से होती है हमारी कंप्लीटली क्या, हमारे साइंस की पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, ठीक है। तो पूरे को आप क्या कर लेंगे, इसका अच्छे से नोट कर लेंगे, या तो PDF डाउनलोड करके प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।